आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने के बाद उनके टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया। इतनी निर्मम ढंग से हत्या की गई है जिसका सारे पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के जैन समाज में इसके प्रति रोष है। कर्नाटक में दिगंबर जैन मुनि काम कुमार नंदी जी महाराज की बड़ी बर्बरता से हत्या कर दी गई। इस हत्या ने पूरे जैन समाज को दहला कर रख दिया है। साथ ही अहिंसा का पालन करने वाले जैन समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। अब देश में जगह जगह जैन समाज सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन कर रहा है। आक्रोशित रैलियां भी निकाली जा रही हैं। वहीं इसी कड़ी में शनिवार को चंडीगढ़ में भी जैन समाज सड़कों पर उतरा और जैन मुनि की हत्या को लेकर भारी रोष प्रदर्शन किया गया। ये रोष प्रदर्शन जैन मुनियों के सानिध्य में और जैन महासंघ ट्राई सिटी के बैनर तले हुआ। प्रदर्शन में चंडीगढ़ के साथ साथ पंचकुला और मोहाली के जैनीय लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जैन समाज के जैन मुनि की हत्या करने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है ताकि भविष्य में ये पाप कृत्य करने की किसी की भी हिम्मत ना हो। इसके अलावा जैन समाज ने यह भी मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो ताकि घटना के पीछे साजिशकर्ता कौन है इस बात का खुलासा भी जल्द से जल्द हो पाए। वहीं जैन समाज ने जैन मुनियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग भी की है। जैन समाज ने इस संबंध में चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री व कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कर्नाटक के बेलगांव के पास श्री हरि गांव में जैन मुनि आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने के बाद उनके टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया और चार दिन तक तो ये पता ही नहीं चला भी उनकी हत्या हुई है। उसके बाद जब हत्या का पता चला, उनका सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके और जब सामने आया, समाज के सामने आया, इतनी निर्मम ढंग से हत्या की गई है जिसका सारे पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज, हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे विश्व के जैन समाज में इसके प्रति रोष है। उसी को रोष प्रकट करने के लिए आज चंडीगढ़ जैन समाज, चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, ट्राई सिटी जैन समाज, जैन महासंघ के तत्वाधान में आज ये धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहा है। इस धरना प्रदर्शन में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त है, उनके संघ का सानिध्य प्राप्त है। हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस साजिश के पीछे जो भी जिम्मेवार हैं उनको बेनकाब किया जाए। दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला दर्ज करके लाके इसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और जैन मुनियों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित किया जाए। इसके बारे में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, ट्राई सिटी जैन समाज की ओर से ये आयोजन किया जाए। सेक्टर में रोक लिया गया पुलिस द्वारा, अब आगे की क्या प्रक्रिया? देखिए, जैन धर्म एक शांति प्रिय धर्म है। किसी भी तरह की हिंसा हम नहीं करते, किसी भी तरह की हिंसा हम नहीं चाहते हैं, ना हम करेंगे। यहाँ रोक दिया, महाराज जी यहाँ बैठ के समाई कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा है। कोई भी अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी, SDM, DC या गवर्नर साहब के ADC या उनके यहाँ से कोई आदमी आके हमारा यहाँ से ज्ञापन ले जाएगा, हम उसके लिए मंजूर। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।